जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी दूध पाक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दूध पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ये बासमती चावल लिए हुए है। अब हम पहले उसे धो के साफ कर लेंगे। हमने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप गरम दूध डालेंगे। अब हम इसे 1/2 आवर तक ऐसे ही भीगने देंगे। सबसे पहले हम पैन में 1/2 लीटर दूध डालेंगे। अब हम पहले इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में एक अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम है वो स्लो कर देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 8 काजू है जिसको मैंने पानी में 2 घंटे भिगो के रख दिया था वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे और इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। काजू और मिल्क पाउडर का बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें हमारे जो काजू की जो पेस्ट तैयार की है वो डाल देंगे। ये पेस्ट डालने से हमें जो घंटों तक दूध को उबालना पड़ता है वो नहीं उबालना पड़ेगा और जल्दी से गाढ़ा और क्रीमी बनेगा हमारा दूध पाक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमने यहाँ पर थोड़े से गर्म दूध में 8-10 केसर के धागे को भिगो के रखा था वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो चावल भिगो के रखे हैं वो डाल देंगे। चावल गर्म दूध में भिगोने से चावल है वो जल्दी से स्मूथ भी हो जाते हैं और हमारा दूध पाक है वो क्रीमी बनेगा। अब हम स्लो फ्लेम पर चावल को अच्छे से पकने देंगे। 8 मिनट में ही हमारे चावल है वो अच्छे से पक गए हैं। आप लोग देख सकते हैं दूध पाक उबल रहा है तो चावल है वो पूरे ऊपर आ रहे हैं। हम उसे दबा के भी देख लेंगे, ये अच्छे से टूट रहा है। अब हम इसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको शुगर हमेशा चावल के पक जाने के बाद ही डालनी है, नहीं तो चावल पकेंगे नहीं जल्दी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 8 से 10 बादाम और 8 से 10 पिस्ता जिसको मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था और इसके छिलके निकालकर उसको बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चारोली डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारोली से ही दूध पाक का टेस्ट और लुक अच्छा आता है। अब हम इसे 2 मिनट अच्छे से उबलने देंगे। 2 मिनट हो गई है और हमारा दूध पाक है वो अच्छे से उबल गया है। हमारा दूध पाक है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे।